तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? आइए आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों गाइस आ रखा हूँ मैं आज छानी, और आज छानी आने का रीज़न है मेरा धान की मंडाई। तो आज हम धान को मानने वाले हैं, क्योंकि गाइस दो तीन दिन पहले आपने देखा कि हम धान की कटाई करने आए थे छानी, तो उसके बाद मैं आज ही आया हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हैं, पहले करते हैं आज ब्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं एक खेत में, यानी जो हमारा नीचे वाला खेत था, तो उसमें हम पहुँच चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे जो धान की मंडाई है वो शुरू करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे है तिरपाल वो हमने बिछा लिए फाइनली, नीचे जो रख दी है, जो रखने का होता है। बाकी अभी उजाला भी काफ़ी हो चुका है धीरे धीरे, जब हम आए थे तो काफ़ी अंधेरा था, बट अब उजाला भी हो चुका है। और पापा जी देखो यहाँ पे पैरों से मंडाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे इस रवाई क्षेत्र में पैरों से मंडाई होती है। कोई कोई पत्थर में भी मार के जो दाने होते हैं उनको निकालते हैं, कोई पैरों से करते हैं, बाकी करते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। पापा को बड़कोट जाना है, पापा कुछ काम रहता है बड़कोट, एंड उसके बाद मेरे को भी पापा के साथ मिटाना होगा, यानी उसकी मंडाई करनी होगी। तो मुझे घर की भाषा में तो हम उसको मिटाना बोलते हैं, लेकिन अगर आप मिटाना नहीं समझते हैं तो मंडाई हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं भी आ चुका हूँ पापा के साथ धान की मंडाई कर रहे हैं। तो देखते हैं पापा और मैं किस प्रकार से धान की मंडाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत मतलब आ नहीं रहा उतना अच्छा से करना, क्योंकि पापा भी जल्दी कर रहे हैं, मैं वहीं का वहीं हूँ गाइस। और मम्मी अभी जो है, पापा देखे ना आप वीडियो में, पापा फूले बनाएगा और मम्मी उनको डंडे के जरिए थोड़ा सा झाड़ेंगे, ना जो डंडे से उनकी पिटाई करेगी, जिससे कि जो हल्के फुल्के दाने रुके भी होंगे वो साफ हो जाएंगे, नहीं नहीं सारे आसानी से निकल जाएंगे, जिससे कि जो दाने हैं वो बर्बाद ना हो। तो साल में ये सभी को आज एक ही बार मौका मिलता है, फिर भी मेरे को करना नहीं आ रहा, काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखते हैं, देखो पापा ने एक फूला बना दिया है और मम्मी देखो किस प्रकार इसको इसकी पिटाई करती है और इससे दाने अलग निकाल दिए। तो देख के आप, काफ़ी अच्छा ट्रिप गया यार, मज़ा आ गया देखने में, आपको कैसा लगा आप कमेंट करना। तो दोस्तों अभी मम्मी आ चुकी है और धान की मंडाई करने लग गई है, क्योंकि मुझे आ नहीं रहता अच्छे तरीके से करना, तो इसलिए मम्मी और पापा धान की मंडाई करेंगे और मैं मम्मी की तरह जो पापा फूले बना रहे हैं उनकी पिटाई करूंगा, जिससे कि जो हल्के फुल्के दाने होंगे वो अच्छे से नीचे झड़ जाएंगे। और जो आपको मेरे पीछे दिखाऊंगा उनको झूमे कहते हैं और उनको भी मैं बनाऊंगा इसके बाद। दोस्तों फाइनली जो हमारा जो वर्क है पूरा फिनिश हो चुका है, यानी हमारा जो ये मंडाई है धान की मंडाई पूरा कर दिया है कंप्लीट, आप देख ही सकते हैं इधर। तो मम्मी यहाँ पे था मतलब रखा हुआ, जो वो बना करता ना एक धान का घेरा सा, एक वो यहाँ से निकाल दिया सारा। और मम्मी जो ये घास है तो इसको नीचे इसलिए रखते हैं जिससे कि जो धान के जो दाने हैं कुछ कुछ नीचे गिर जाते हैं तो फालतू बर्बाद ना हो, तो कुछ इसके ऊपर रुके होंगे दाने, उनको आप वहाँ पे डालेंगे। एंड पापा जी भी यहाँ पे लगे हुए हैं इससे दौरान से जो भूसा है कबाड़ा है उसको साफ करने में, एंड इसके बाद इसको घर ले जाएगा जहाँ पे इसकी सुखाई होता है, सुखाते हैं इसको, ताकि जो इधर है उनका जो भूसा है घास निकला हुआ इससे उधर रख दिया है। तो अभी हम पापा जी को पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपने जो यहाँ पे धान की मंडाई कर दी है आज सुबह सुबह आते समय ही यहाँ पे लग गए, तो सोचिए मतलब इतना कठिन जिंदगी है किसानों की एंड पहाड़ के लोगों की, इधर तो कोई मशीन की सुविधा भी नहीं है। चलो पापा को पूछते हैं क्या राय होती पापा की। दोस्तों फाइनली पूछते हैं पापा जी से कि आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आप सुबह सुबह आए इस धान की मंडाई करने। तो हम होते तो गाइस हम तो सोए रहते, खैर ना हमारे तो क्या ही बोले, लेकिन पापा जागरूक व्यक्ति हैं तो पूछते हैं पापा जी को कि आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे खेतों में सुबह सुबह आकर।
हमको कैसा लग रहा है? हमको तो बढ़िया लग रहा है। इसी के चक्कर से तो आज सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ा, और हमने सोचा कि यदि लेट में जाएंगे तो धूप ही हो जाती है, और उसके बाद फिर धूप में मतलब मंडाई नहीं हो पाती है। और मैंने इसके साथ मतलब मैंने ड्यूटी भी जाना था, और क्योंकि मैंने 8 बजे के लिए यहाँ से चल देना था, इसलिए आज सुबह सुबह मुझे उठना पड़ा और जो ये धान है उसकी मंडाई करनी पड़ी, और तभी जाके हम 7 बजे इसको फिनिश कर पाए। और पापा, ये पहाड़ों में भी थोड़ा सा मशीन की तकनीकी नहीं है, जिससे कि काफ़ी दिक्कत होती है किसानों को ना। आपको क्या राय है इसमें? इसमें यही मेरी राय तो यही है कि पहाड़ों में यदि टेक्निकल सुविधा होती तो क्या पता इतनी कठिनाई ना होती, और हो सके तो आगे मतलब गवर्नमेंट या मतलब उत्तराखंड सरकार हो या ना भारत सरकार हो, यदि पहाड़ों में तकनीकी सुविधा हो सके तो इसमें पहाड़ों के जो आदमी हैं, यहाँ के लोग हैं, जो वो अपनी खेतीबाड़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए आगे ब्लॉगर जी से। तो दोस्तों, फाइनली पापा जी ने तो आपको बता ही दिया है काफ़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में। तो दोस्तों चलो, जो ये काम है इसको पूरा कर लेते हैं फिनिश, यानी अभी भी थोड़ा सा रहा है, यानी इसको जो कट्टे लार के कट्टे में भरने हैं, और इसके बाद इसको घर ले जाएंगे। बाकी इधर मम्मी भी दोस्तों लगी हुई है, एक जो नीचे का घास था जिसको मैंने बताया था आपको, वो तो मम्मी ने इस प्रकार से बांध दिया जैसे कि हे हॉर्स सभी बांध रखे हैं। तो दोस्तों अभी मम्मी काम करेगी, देखते हैं बाद में टाइम तो बाद में मम्मी से इंटरव्यू लेंगे। बाकी मौसम तो गाय धूबी आ चुकी काफ़ी, चलो चलो करते हैं इसको पूरा, एंड उसके बाद मिलते हैं आपको कंटिन्यू, मज़ा आने लगा आपको ब्लॉगिंग में आज। तो दोस्तों फाइनली जो हमने यहाँ का जो कार्य है वो पूरा कर दिया है, यानी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पापा जी अब जो त्रिपाल है नीचे सेट कर रखी थी वो अब उनको हटा रहे हैं क्योंकि हो चुका है पूरा, और ये कट्टे में भर दिया फाइनली जो धान है। और इतना से बना गाइस, इधर देखो यहाँ पे, तो ये है अब इधर की मेहनत, पूरा साल भर वाल इधर मेहनत करते रहो, लास्ट में वाल इतना ऐसा ही मिलेगा, वाल बोलते ना पर्वत खो डाला पर निकला गया लास्ट में चूहा। तो मुझे जो डालो पाता भी नहीं है, बट बोल ही रहा हूँ इस मजाक में। एंड देखो इधर सारा कर दिया है, और धूप भी आ गई है गाइस, इस साइड सारी धूप आ चुकी है, क्या अच्छा सा व्यू लग रहा है गाइस इधर से ना। देखो गाइस, और इधर इसके नीचे भी जो है खेलते घास है वो भी डालकर जैसे कि त्रिपाल फटने का डर न रहे। तो अब ये पूरा हो चुका है, और अब चलते हैं गाइस यहाँ से घर पे, टाइम भी हो ही गया है, तो काफ़ी तो चले जाएंगे बड़कोट, शायद मम्मी भी आज बड़कोट जाएगी, तो आज मैं यहीं पे पूरा दिन अकेले रहने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ होगा आज के दिन में, आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलो अभी घर पे चलते हैं पहले। दोस्तों घर पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी ने जो धान है वो यहाँ पे धूप में डाल दिया है सुखाने, जिससे कि जो उसका पानी सूख जाए और जो धाने ख़राब ना हो, मतलब अंकुरित ना हो, जिससे कि वो दाने होते हैं ख़राब ना हो, जिससे हम बाद में चावल के रूप में उपयोग करते हैं। बाकी मम्मी पापा बड़कोट चले गए हैं, और यहाँ पे हमारी प्यारी सी गाय है, तो इसको अभी हम नहला देते हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा उसको, ठंडी ठंडी लगेगी उसको, ठंडी ठंडी कूल, क्योंकि गाय सुनने में आता है कि पशुओं को गर्मी लगती है, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है उनको, तो ठंडे पानी से उनको नहला देंगे। यहाँ पर नल है, और नल के जरिए उसको यहाँ से पाइप से नहलाएंगे। दोस्तों फाइनली मैंने अपनी गाय को है नल के पास ला दिया है, और अब हम इसकी अच्छी से नहाई करेंगे, नहाई धोई करेंगे इसकी, जिससे कि इसको ज़्यादा गर्मी में हो और अच्छा महसूस हो उसको, ठंडा ठंडा, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, उसको नहलाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। फाइनली मैंने गाय को भी नहला दिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ खेतों में गाय के लिए
चारा लाना है थोड़ा सा, तो ये दांतरी ले जाली मैंने जिसको हम दरांती बोलते हैं, और मेरे पीठ में है गाइस एक गिल्ला, इसको हम अपने पहाड़ी भाषा में गिला बोलते हैं, तो इसमें लाऊंगा मैं जितना हो सके। और धीरे धीरे गाइस धूप भी काफ़ी बढ़ने लग गई है, और इधर तो गाइस काफ़ी ज़्यादा घास भी है जिससे कि चलने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो गाइस धूप भी आ चुकी ज़्यादा, और घास एक साथ की चारों तरफ गाइस खूब हरियाली है। और ये गाइस इधर सामने पे तिल की खेती, तो तिल की खेती है, तो ऐसे में ना गाइस थोड़ा सा पहाड़ों में डर भी बना हुआ रहता है, झाड़ी में कोई भी जानवर छुपे हो सकते हैं, एंड सांप सुम का डर भी है ऐसे घने से घास में और झाड़ी में। तो चलो चलो खेत में चलते हैं और घास की कटाई करते हैं गाय के लिए। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ एक खूबसूरत लोकेशन पे, यानी जहाँ पे मुझे आना था घास की कटाई करने। तो आपको इस खेतों में छोटा छोटा सा घास दिख रहा होगा, इधर मुझे यही गाय के लिए एकत्रित करना है, यही घास काटना है। तो चलो घास काटते हैं इसको और मिलते हैं आपको इसके बाद। और धूप काफ़ी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो घास है गाय के लिए चारा है वो काट के ला दिया है। तो मुझे काटते समय भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि छोटा छोटा घास है, हाथी में नहीं आ रहा था जिससे कि दिक्कत काफ़ी हो रही थी। और अब चलते हैं घर पे, थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं गाइस। और गाय जो है मैंने खोली के अंदर बांध दी है क्योंकि बाहर उसको गर्मी हो रही थी, तो जैसे मैंने उसको नहलाया ऐसे मैंने गाय को अंदर बांध दिया था खोली में। और कुछ समय बाद गाय को बाहर निकालने का टाइम भी हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। और जो आज मम्मी ने गाइस धान को सुखाने डाला था सुबह, उसको क्या थोड़ा सा उसकी देखभाल भी करनी है क्योंकि बंदर ना आ जाए। बाकी गाइस थका फिर ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा सा सो के उठ चुका हूँ क्योंकि जिस समय मैं घास लेके आ रहा था तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गया और मुझे नींद पड़ गई, जिससे कि अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और अभी मैं जो ये धान है क्योंकि मम्मी ने सुबह सुखाने डाला था, तो इस धान को मैं अभी उस पार कट्टेदार का उठ के एक उसमें एक कट्ठी भरने वाला हूँ। इसमें मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों सुप्पा, इसको हम अपनी पहाड़ी आ सुप्पा बोलते हैं, तो इसको हम भरें, इससे हम भरेंगे कट्टे में। तो भरते हैं इसको और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद, क्योंकि उसके बाद इस गाय भी बाहर निकालेंगे। तो चलो करते हैं इसको पहले कलेक्ट एक कट्टे में। तो फाइनली जो मैंने धान है आज यहाँ पे बटोर दिया है, ये रखा हुआ यहाँ पे गाइस धान को सेफ्टी करके, क्योंकि नीचे रखते हैं इसको तो रात को शायद जाना भी आ जाता या चूहा या बारिश ही हो जाती तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया सेफ्टी के। एंड अभी मैंने गाय भी बाहर निकाल दी है अपनी, ये यहाँ पे धुआं लगा रखा है जिससे कि इसको मच्छर या कुछ भी कीट मकोड़े हैं उसको परेशान न करें। और इधर मस्त भाई हाई कर दे भाई बैठा हुआ है, ये अभी भी आया बड़कोट से पैदल आया भाई, तो बोल रहा है कि मैं पैदल आया भाई, तो ये थोड़ा सा जोर से बोला भाई थोड़ा सा। तो दोस्तों बाकी आज का ब्लॉग गाइस मैं शूट कर रहा हूँ अपने न्यू स्मार्टफोन से वन प्लस 10 आया, जो कि मैंने आपको बताया था पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चक्कर से आपके कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो यूँ ही आप मुझे सपोर्ट बनाएं और देते रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे मुझसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और बाकी इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ से बड़कोट के लिए भी चलेंगे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों मतलब कमेंट भी करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी, थोड़ा सा अलग लगी होगी, साउंड में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आज के ब्लॉग में आपको, तो बता देना जरूर कमेंट करके। बाकी मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच, टू बाय।